नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। स्वर्ग का देवता लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताललोक, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उन्हें सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो के न? स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। सपने में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी के रुपये मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपये नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो एक रुपया उसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो एक रुपया उसमें से उठ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया दिखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे दिन उसकी दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसने अध्यापक को उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसके पेट ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात में लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, 100 प्रशंसा मिल गई। आप रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसा दिए। पैसा लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, उसके आज संतरा का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करने के पेट भरती हूँ। उस समय बेटे को बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मीनारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल को माँ को दिए। वह लक्ष्मीनारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर जाकर जब लक्ष्मीनारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसने 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मीनारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसने खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न माने तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार सब उसके डिबिया खोले तो देखा कि उसमें पहले के इकट्ठे हुए रुपये उड़ गए हैं। जब उसके बड़ा पश्चाताप हुआ, उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर दिया। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है।
उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसको स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपये को लोभ से अच्छा काम करता था, धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने को हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से बढ़ गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उसे डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बुढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करने मैंने उसे रुपये से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों में से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप उससे ले लो। साधु बोला, तुमने इस बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपयों इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण ने नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग से एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। उस लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु ने बदले सपने में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है, तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वही अदृश्य हो गए। जय गुरुदेव।